नमस्कार दोस्तों दोस्तों PCS एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की UPPCS मेंस 2019 और 20 के लिए एंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में हम लोगों ने अभी 88 पार्ट देख लिए थे, आज के डेट में 89वां पार्ट देखेंगे। दोस्तों कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देश काल में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, देखिए ये मेरा खुद का मानना है, जैसा भी होगा आप लोग भी देखेंगे। आज की डेट में कल की डेट में शायद डिसीजन लिया गया है कि जो लॉकडाउन है वो पंजाब में लगा दिया गया है, भोपाल के कुछ क्षेत्रों में लगा दिया गया है। तो ऐसी घटनाएं जो हैं समाज में निकल कर आ रही हैं, और जो कोरोना किस कदर बढ़ रहा है तो वो थोड़ा सा दिक्कतें हैं अब, जिसकी वजह से देखिए क्या होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम हैं, जहाँ तक टालने पड़ेंगे, क्योंकि समस्याएँ अब विकराल रूप ले रही, बहुत ही भयानक होने वाली है। तो आप लोग अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए, और अच्छे से घरों पर ही रहिए, ठीक है। लॉकडाउन हट चुका है लेकिन संभावनाएं हैं, देखिए 16-17 को हो सकता है कहीं महीने या दो महीने का लॉकडाउन फिर से ना लगा दिया जाए, ठीक है। तो अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, ये आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ों को, और बाकी आप खुद ही समझदार हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग भी अंदेशा लगा रहे होंगे कि कहाँ क्या चीज़ें जाएंगी, ठीक है। तो बाकी आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए आज का जो टेस्ट सीरीज, जो आपका मेन सेंसर राइटिंग है, तो वह आपका UPPCS मेंस और BO वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। BO वाले एग्ज़ाम के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे मान लीजिए 125 शब्दों में है तो तीन फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना है। UPPCS मेंस 2019-20 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि जैसे BO वाले एग्ज़ाम के लिए आपको 50 शब्दों में भी लिख सकते हैं, उसी प्रश्न को आप लोग 25 शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो अच्छे से आंसर राइटिंग आप लोग करते रहिए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। आज का GS का पेपर थर्ड का यह प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 177 है, 177 है, और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। लिखने से पहले वही सावधानियां कि जो ग्रामर की गलतियां हैं आपके, उसमें उत्तर में ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ में क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें आप लोग ऐड कर दीजिए। और कुछ चीज़ें और हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जल्द ही कुछ चीज़ें, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आंसर लिखकर भी दिखाइए, तो जल्द ही आपको लिखे लिखाए आंसर भी मिलेंगे, ठीक है। जल्द ही आप लोगों को लिखे हुए उत्तर भी मिलेंगे, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं दोस्तों कि यह प्रश्न को अच्छे से आप लोगों को लिखना है, जो यह इसका उत्तर लिखना है उसको लयबद्धता में, पॉइंट के फॉर्मेट में, जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ पर पॉइंट डालिए, और नहीं तो थोड़ा सा पैराग्राफ का भी उपयोग करिए, और अच्छे से प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को देखते हैं, 125 शब्दों सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। भारतीय संदर्भों में पर्यावरण क्षरण की व्याख्या कीजिए तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु मुख्य सुझाव दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ जो प्रयास किए गए हैं रोकने हैं, तो प्रयास और कुछ अपने सुझाव भी आप लोगों को देने हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। देखिए जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन है तो इसकी बात करेंगे, पर्यावरण क्षरण जो है ये क्यों होता है। देखिए पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ना, भौतिक रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उनसे अनचाही घटनाएं घटित होना, जिससे कि हमारे पर्यावरण, जो हमारे अगल बगल का जो वायुमंडल है, ठीक है, इन्वायरमेंट है, वो जब प्रदूषित होता है, जो हमारे जैविक क्रियाएं होती हैं उनसे प्रदूषित होता है, जो हमारे सामाजिक और क्रियाकलाप जो होते हैं उनके कारण डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो इसी को पर्यावरण क्षरण कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण भी माने जाते हैं कि जैसे गरीबी के कारण पर्यावरण क्षरण भी होता है। इसका अर्थ क्या है कि जैसे देखा होगा गरीब लोग मतलब हर तरीके से, चाहे किसान हो, किसानों ने देखिए खेती, जैसे कोई फसल बोई जाती है तो पराली को जलाते हैं, कूड़ा जो होता है, वेस्ट जितना भी होता है उसका प्रबंधन सही से नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं जाकर, ठीक है। जो औद्योगिक प्रदूषण जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है पर्यावरण क्षरण में, ठीक है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में,
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। जितने भी बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, जो औद्योगिक गतिविधियाँ जो होती हैं, उनके कारण जैसे चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो है हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जो जैसे वायु प्रदूषण की जहाँ तक बात करते हैं, ठीक है, दूषित जल जो होता है, मृदा क्षरण जो है, वनों का काटना, ये सारे के सारे हमारे जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, उसको डिग्रेड करने में कारक बनते हैं। जाकर शहरी क्षेत्रों में क्या है कि जैसे वाहनों से निकलता हुआ धुआं, जो प्रदूषण निकलता है, जितनी गाड़ियों का, फ्रिजों का, एसी का, तो ये जो गैसें निकलती हैं, ये हमारे प्रदूषण लेवल को और बढ़ाती हैं और पर्यावरण को डिग्रेड करती हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हमारे यहाँ अच्छा नहीं होता, कि जैसे जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं उनमें लोग सचेत नहीं रहते, जो भी वेस्ट होता है उसका प्रबंधन अच्छे से नहीं होता, जिसके कारण पर्यावरण में सड़ गल के वो गैसों के रूप में हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। अन्य चीज़ें क्या होती है कि जैसे अति मात्रा में जो कृषि चराई होती है, तो उसकी वजह से भी पराली का जलाना, ये सारे के सारे उत्तरदायी होते हैं जो पर्यावरण क्षरण है उसके कारण। वन्य जीवों की विलुप्त हो जाते हैं, वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त हो जाती हैं, और ओवरऑल में कहें तो जैव विविधता की हानि होती है। तो ये आपको पर्यावरण क्षरण को बताना है, उसके बाद आपको सुझाव देने हैं। तो देखिए हमारे यहाँ कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो सुझावों में क्या है, सुझावों में आप ये कह सकते हैं सारी की सारी चीज़ों को, कि पर्यावरण में जो हमारे यहाँ पराली जलाई जाती है उस पर रोक लगनी चाहिए, वायु प्रदूषण करने वाले कारकों को बंद किया जाना चाहिए, औद्योगिक गतिविधियों पर भी सही तरीके से, धारणी तरीके से रोक लगनी चाहिए, कि जो इम्पोर्टेंट है और जिस तरीके से उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए उन पर बात होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में वाहनों का प्रदूषण जो है, प्रदूषण जिससे कम हो ऐसे वाहनों का प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो है उसका बहुत अच्छी तरीके से नगर निगम और जितनी भी जो संस्थाएँ हैं उनको अच्छा योगदान करना चाहिए, जिससे कि हमारा वन्य जीव प्राणी जो विलुप्त हो रहे हैं वो विलुप्त ना हो सकें। पर्यावरण क्षरण को रोकने के प्रयास हमारे यहाँ सरकार के द्वारा किए गए हैं, कि जैसे देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, हिमालय में वनों का संरक्षण के लिए चलाया गया था, इसी से प्रेरित होकर कर्नाटक में एपिको आंदोलन चलाया गया था, इसमें भी आपका वनों से संरक्षित, वनों को संरक्षण करने की योजनाएँ बनाई गई थी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारे देश में 1974 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। तो इस ये क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है आपका प्रदूषण के लेवल पर सारी चीज़ों को डील करता है। हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी लाया गया है, कि पर्यावरण को किस किस तरीके से, अब अगर देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की विशेषताओं को बताने लगेंगे तो आपका पूरा का पूरा यही हो जाएगा। तो आपको मेन की पॉइंट आपको बताने हैं, पर्यावरण संरक्षण एक्ट की जहाँ तक बात करते हैं तो 1986 में लाया गया था, और पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से कार्य प्रणालियों को अपनाना चाहिए इनमें सुझावों के रूप में दिए गए थे। वन संरक्षण एक्ट लाया गया था 1980 में, और इसके साथ में जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। इन सारी चीज़ों को सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मौलिक कर्तव्यों में, हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी ये चीज़ें, वनों का संरक्षण करने की बात कही गई है, और हमारे यहाँ जितने भी कानून हैं, जो कानून बने हैं उनको प्रभावी रूप से, प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए। जो कानून बने हैं उन्हीं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होता है, नहीं तो इतना एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन ना हो, यही सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं। और पर्यावरण को क्षरण को रोकने के लिए अन्य सुझावों में आप अपने भी सुझाव इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए और अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। यह पहला प्रश्न है, चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। इसके PDF दोस्तों आप लोगों को BO मेंस के ग्रुप में और UPPCS मेंस 2019 और 20 के ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग वहां से आंसर राइटिंग करते रहिए। कीवर्ड के माध्यम से चीज़ें जानने का सबसे बड़ा अच्छी बात यही होती है, चाहे जैसे प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप यही सोचते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं कि हाँ मुझे कौन कौन से कीवर्ड और कीवर्ड के आधार पर मुझे अपने बातों को प्रस्तुत करना है, तो वही प्रैक्टिस आप घर पर बैठकर इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। और जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो उसमें अगर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, यह नंबर है 9189140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को चेक कर सकते हैं।
देखिए अगला प्रश्न जो है पेपर फोर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 178 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानी है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में अन्य चीज़ों में क्या है कि आप लोगों को उत्तर में लयबद्धता होनी चाहिए, डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। कहीं कहीं पर छोटे छोटे से फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं, सर्कल में, ट्रायंगल में, तो उन सारी चीज़ों को देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और जो एग्जामिनर होता है उसको पसंद भी आता है। तो इन सारी चीज़ों का समावेश करते हुए इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारतीय संदर्भों में सामाजिक न्याय की जॉन रॉल्स की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है, तो सबसे पहले इस पर बात करेंगे। तो जैसे देखिए, सामाजिक न्याय को एक केंद्रीय अवधारणा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण श्रेय जो है वो आपका जॉन रॉल्स का माना जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, जॉन रॉल्स महोदय ने क्या बताया कि स्वतंत्रता और अवसर की समानता होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय को सब तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब देश में लोगों को फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो और अवसर की समानता हो। सभी व्यक्ति, जैसे देश में जितने भी लोग हैं सभी लोगों के बीच में जो समानता है, इक्वलिटी होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति को अलग चीज़ें दी जा रही हैं, दूसरे व्यक्ति को अलग अवसर दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम कानून सभी के लिए समान होने चाहिए, तभी आप न्याय को, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकते हैं। और क्या बताया इन्होंने कि आय और धन का वितरण समान रूप से हो, ऐसा ना हो कि गरीब और गरीब होता चला जाए और अमीर और ज़्यादा अमीर होता चला जाए, तो ऐसे में विषमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जो सबसे कम लाभान्वित जो व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को सबसे अधिकतम लाभ मिलना चाहिए, तो ये सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सकता है। अवसर की समानता हेतु सबके लिए खुले पद की प्रक्रियाएं होनी चाहिए कि जिससे समान रूप से सभी चीज़ें हो जाए। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं आपके जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा की। अब देखिए, इसमें भारतीय संदर्भों में जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा कहाँ तक किस तरीके से फिट बैठती है, तो इन सारी चीज़ों को जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यही है कि भारत में, देखिए भारत बहुत बड़ी आबादी वाला विश्व में दूसरे नंबर पर आता है और भारत में विषमता जो है वो बहुत ज़्यादा है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर जो विषमताएं हैं समाज में वो बहुत ज़्यादा हैं। विषमताएं जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हमारे देश में देखी जाती हैं और यहीं पर इन्हीं संदर्भों में जो जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की संकल्पना है हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यहीं पर अब सोच कर देखिए, इम्प्लीमेंट करिए जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा को अपने भारतीय संदर्भों में कि भारत के लिए कितना ज़रूरी है। तो देखिए, कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना, कि सामाजिक न्याय को तभी आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब कल्याणकारी योजनाओं को अच्छे से संचालित करें, सभी वो कमज़ोर तबकों तक, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोगों को समान रूप से कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलना चाहिए। शोषितों के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनका शोषण हुआ है उनके लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वो मुख्य धारा में आ सके, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सामाजिक समानता, समाज में ऊंच नीच और असमानता नहीं होनी चाहिए, समाज में लोगों के बीच में समानता होनी चाहिए, सभी लोग समान रूप से सभी प्रकार की क्रियाओं को क्रियान्वित कर सके। इसके बाद क्या है, आय और धन के वितरण को सभी को समान रूप से वितरण होना चाहिए, कि सरकार को इसमें कदम उठाने चाहिए कि जो मुख्य धारा से हटा हुआ व्यक्ति है, हमारे यहाँ बहुत गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो इसको, गरीबी को दूर करने के प्रयास करने चाहिए सरकार को, जिससे कि समान रूप से एक ही पायदान पर सभी लोग आ सके। और क्या है कि जैसे स्वतंत्रता, फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवसर सभी को समान रूप से मिलने चाहिए, ये बातें कही जाती हैं और ये सामाजिक न्याय को तभी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत की बात कही जा रही है तो भाई फ्रीडम तो होनी चाहिए और अवसर की समानता, सभी को समान रूप से अवसर मिलने चाहिए और भ्रष्टाचार में कमी होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार होगा तो आप सामाजिक न्याय को सुनिश्चित ही नहीं कर पाएंगे। जॉन रॉल्स का नहीं, किसी का नियम आप अप्लाई करवा दीजिए, उस पर नहीं ठीक होने वाली चीज़ें, क्योंकि करप्शन जब तक रहेगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। खुलापन होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए,
ये सारी के सारे चीज़ें आपको इस प्रश्न में अच्छे से भारतीय संदर्भों में चीज़ों को बताना है। तो अच्छे से 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग लिखिए और अच्छे से आंसर राइटिंग करते रहिए। यह पीडीएफ आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।